सब दोस्तों को हाय। आज हम फिर से जा रहे हैं वहीं पे। जहां मैं नॉर्मली जाता हूं। चलते हैं। अभी जस्ट शॉप से फ्री हुआ हूँ। संडे था आज, तो आज काम ज्यादा होता है लेकिन फुटफॉल कम होता है। अभी ये टर्म है फुटफॉल, मतलब लोग कम होते हैं लेकिन काम ज्यादा होता है। इसका मतलब कि आज जो कस्टमर होता है वो वैल्यूएबल होता है, जो उनकी बाइंग कैपेसिटी होती है, जो उनकी ऑर्डर वैल्यू होती है वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है। तो आज वही वाला कस्टमर था। फुटफॉल मतलब कितने लोग आए, कितने लोग चले हुए थे। ये मैं ज्ञान जो है इस वीडियो से हटा ही दूंगा। फिलहाल तो जो मेन फोकस है वो है मंदिर पे। चलते हैं, काफी दिन हो गए, महीना होने वाला गए हुए, जाके आते हैं। क्योंकि ये कुछ चीजें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो लाइफ में होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती हैं, मजा आता है। और इसके अलावा फिर करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, फिर और क्या करेंगे अगर ये भी नहीं किए तो इसलिए आज वापस चलो। हाँ, अब आजकल काफी नॉर्मल हो गए ना, आजकल जो टिकटॉक्स होती थी वो बंद कर दी एकदम से, सिर्फ कैजुअल टॉक्स चली हुई है, व्लॉगिंग टाइप चला हुआ है सीन, गप्पे मार रहे हैं ओनली। और देखा जाए तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये, और मुझे अपने आप को ना रोकना नहीं पड़ता, मुझे ब्रेक नहीं लगानी पड़ती खुद पे कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं या फिर कोई भी ऐसी चीज। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं और बस इतनी सी बात है। गाड़ी में आज टायर डलवा ली हमने, गाड़ी के टायरों की मां बहन हो रखी थी तो आज टायर डल गए हैं। वही सेम जो लास्ट टाइम डलवाए थे, एग्जैक्ट सेम टायर वही है। उनको साइलेंट करना पड़ेगा ना। ये होता है जब मैं शॉप से फ्री हो जाता हूँ ना, तब कॉल्स बहुत ज्यादा लग जाती हैं। लोगों को पता है कि मैं 3 से 6 शॉप बंद रखी होती है, फिर भी उस टाइम पे कॉल्स, अननेसेसरी कॉल्स, बिना मतलब के बेहिसाब कॉल्स लग पड़ती हैं। चलो, ये भी लोगों का प्यार ही है। आज धूप काफी है तो ऊपर गर्मी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वहां हमने वैसे भी कुछ देर बैठना होता है, हवा अच्छी चली होती है, हमें हवा से मतलब है। फोकस तो अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। अरे यार, गाने लग पड़े यार अपने आप। कुछ चीजें इसमें ठीक करने वाली है। एक माउंट, प्रॉपर माउंट लेंगे इसके लिए, जो कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए होगा, क्योंकि जो इसमें है ना स्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं है और शेक बहुत करती है। आ देखो, ये देखो कितनी शेक कर रही वीडियो, और मेरे ख्याल से इसकी वजह से ऑडियो में भी इशू आता होगा। लेकिन चलो, जो भी है,
कभी कभार तेज चला के मजा आता है। मंदिर दिख रहा होगा इस वीडियो में, शायद हाँ और शायद ना भी, लेकिन चलो जैसा भी है ठीक है। अभी आ जाओ तुम, मेरा व्लॉग है, रोड का व्लॉग थोड़ी है। सो एज वी ऑल नो कि लाइफ के लौड़े लग रखे हैं और ये अब मेरे को इस पे बीप लगाना पड़ेगा यार, शिट। और सिर्फ मेरे नहीं, हर किसी के लग रखे हैं। पास्ट में मैंने ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने ऐसे मजाक मजाक में एक स्टेटस लगाया कि अगर किसी को मेरे से कोई बात करनी है अलग अलग टॉपिक्स पे तो आप मुझको पे करके मेरे से बात कर सकते हो। और 3-4 लोगों ने मुझे एक्चुअली में पे किया और मैंने उनमें से 3 लोगों से बात भी करी। और उसके बाद मुझे पता चला कि यार लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, लोगों की लाइफ के अलग एल लगे हुए हैं। जैसे इस पे एल लगे हुए हैं ना, वैसे लोगों की लाइफ हुए हैं। और हमें लगता था कि हम ही हमारी लाइफ ही झंडो रखी है, लेकिन भाई साहब नहीं। अगर तुम सुनोगे ना किसी की, अगर तुम किसी की सुनोगे, है ना, तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम सुनते नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई बंदा अपनी बात करने लगता है ना, तो हम उसमें अपनी बात घुसेड़ देते हैं जानबूझ के, जबरदस्ती। हमें सुननी ही नहीं है किसी और की, हमें मतलब ही नहीं किसी और का। कोई अगर अपना दुख सुना रहा है तो उस दुख से रिलेट करके हम अपने दुख अलग पड़ते सुनाने के। कोई बोलेगा यार मेरा ब्रेकअप हो गया, हाँ यार मेरा भी हुआ था 4 साल पहले, हाय बड़ा दुख हुआ था, मुझे पता तू कैसा सोच रहा है। भाई तो उसकी सुन तो सही, या बहन तो उसकी सुन तो सही, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जो हुआ था तुम्हारे उस टाइम में हुआ था, उस टाइम तुम्हारे साथ तुम्हारे पास कोई सुनने वाला नहीं था, तो अब तुम जबरदस्ती किसी को वो चीज सुनाने की कोशिश करोगे। उस टाइम में जब वो व्यक्ति भी अपनी बात तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रहा है, जब उसको चाहिए कि कोई सुने उसकी बात, तब तुम उसे अपनी बात सुना के ना, उसमें दोनों का ही नुकसान है, ना तो उसकी बात सुन पा रहे ना वो तुम्हारी बात सुन पाएगा ढंग से, क्योंकि उसके अपने ही रोने नहीं खत्म हो रहे। एक इजी चीज ये है कि सुन लिया करो सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, चुप क्यों है। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा हो जो बिल्कुल खुश हो लाइफ से, अच्छा हो, मजे में हो, इंजॉय कर रहा हो, बहुत रेयर चांसेस है। हाँ वो कर रहा हो सकता है जिसका बाप बहुत ज्यादा अमीर है और वो उसको खुद एक कौड़ी की फिक्र नहीं कमाने की, उसको खुद एक घंटे का मतलब नहीं कि उसको कमाना है, उसको जिम्मेदारियां लेनी है, उसको बस मजे से बाप का पैसा है उसको उड़ाना है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख उसको भी है, साले को दुख उसे भी है कि मुझे इस हफ्ते सिर्फ 1 लाख रुपए पॉकेट मनी मिली, इतनी कम क्यों मिली है, दुख उसके भी है यार। या फिर मेरा बाप मुझे VMW लेके दिया, ऑडी नहीं लेके दिया, मतलब बुगाटी नहीं लेके दिया, सिर्फ BMW लेके दिया, उसमें मैं कैसे भी गुजारा करूंगा। ऐसे दुख भी है लोगों के, लेकिन लिटरली अगर तुम सुनने की कोशिश करोगे ना, वो भाई साहब तुम सोचोगे कि यार मैं खुश हूं, मैं अपनी लाइफ से काफी खुश हूं, उनसे तो ज्यादा खुश हूं। वही चीज है, एक हैप्पीनेस, वही तो हैप्पीनेस है। बस उसी हैप्पीनेस के चक्कर में तो सारे पड़े हुए लोग, अब मैंने टायर डलवाए हुए हैं और रास्ते में अगर कहीं पंचर हो गए तो भाई साहब, पंचर मतलब इन द वे कि अगर कहीं ढंग से अगर इनकी फिटिंग नहीं हुई होगी ना, तो रास्ते में को फिर से काम पड़ जाएगा, क्योंकि पहले भी एक बार पड़ चुका है ऐसे। लास्ट टाइम जब टायर नए नए डलवाए थे तब मेरा बर्थडे वाले दिन थे और हम कहीं एक मंदिर भी घूमने गए हुए थे और वहां पे पहुंच के टायर पंचर,
पंचर भी इन द वे अंदर साइड से पंचर हुआ जो दिख भी नहीं रहा कि कहाँ से पंचर हो रखा है। पंचर वाले के पास गए, वो चेक कर रहे कि तो पंचर तो कहीं नहीं है, तो हवा कहाँ से निकल रही है। अरे साहब वो बड़ा सीन था। मैं अपने बर्थडे वाले दिन बार बार गाड़ी को पंप कर करके उसको जो ढंग का पंचर वाला होता उसके पास लेके गया, उसने ढूंढा टायर निकाला, फिर उसको पंचर दिखा, फिर भी उसने वो पंचर ठीक नहीं किया, उसने जो स्टेपनी वाला टायर होता है वो लगा के दे दिया। कहते भैया ये आपने जहां से टायर लिया वहां से रिप्लेस करवा लो टायर को। सच में जिंदगी कई बार इतना कुछ दिखा देती है ना, मतलब मजे होते हैं, वो भी एक तरह से एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के। अब अगर वैसी चीज मेरे साथ दोबारा होगी तो अब मुझे उस चीज से डर नहीं है, मुझे पता कैसे डील करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और मैं किस बात से किस बात पे आ गया ना, नॉर्मली मैं इस टाइम में बात कर रहा था कि क्यों सुनना चाहिए लोगों के बारे में, लोगों की बातें सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, भले वो उनके दुख हो, उनकी खुशी हो, कुछ भी हो, उनकी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई तुम्हें कुछ बात सुनाना चाहता है ना तो तुम एक बार चुप होके सुन लो, लेकिन सुन लो, ये नहीं कि तुम हाँ हाँ ओके हूँ अच्छा ठीक है करते रहो, क्योंकि उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको लगेगा कि तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो भी अपनी आधी ही बात कर पाएगा तुम्हारे साथ, और आधी बात का फिर तो फायदा कोई नहीं, क्योंकि जो उसको मेन चीज बतानी होगी वो फिर नहीं बता पाएगा, वो फिर उसके मन में रह जाएगी। वीडियो ये लंबी होने वाली है तो साथ में बने रहो बस, क्योंकि उसके अलावा तुम और कुछ कर नहीं सकते, वीडियो बंद कर सकते हो ऑब्वियसली, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाय गॉड जो भी पर्सन है ना, 10% लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स में से जो लास्ट तक वीडियोस देखते हैं, एंड आई लव देम, आई रियली लव देम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पता है मैं क्या गंद बोल रहा हूँ वीडियोस में, मुझे पता है मैं क्या फालतू चीजें बकता रहता हूँ वीडियोस में, और अगर फिर भी तुम झेल लेते हो ना उस चीज को और तुम उसको लास्ट तक सुन लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, भाई साहब लव यू। मैं सही लोग हो तुम लोग यार, मेरी फैमिली मेरी पूरी वीडियोस देखती यार, तभी तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ वीडियोस में, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली, जब भी मैं फैमिली के किसी फैमिली मेंबर के फोन में चेक करता हूँ ना कि मेरी मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा, मेरी वीडियो देखते तो नहीं देखते, तो इतना इतना हिस्सा देखा होता है उन्होंने बस, और फिर बंद कर दी होती है भाई साहब। और जो भी हो 10% लोग हैं जो वीडियोस को पूरी देख रहे हैं, भाई यार क्या लोग है यार, वो मजाक नहीं, सच में बड़ी खुशी होती है मेरे को देख के। मेरे जब मैंने अपना स्टैट्स देखता हूँ ना तो कुछ 60% लोग जो वो पहले के 4 या 5 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, लास्ट तक पहुंचते 10% लोग सिर्फ, और सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन होता है ना पहले के 2 मिनट में होता है, जिसने वीडियो ओपन करी पहले के 2 मिनट देखे फिर बंद कर दी, वो सबसे ज्यादा लोग हैं। लेकिन प्यार उन 10% वालों के लिए है, तो 10% लोग है ना, एक्चुअल प्यार तुम लोगों के लिए सारा, जिगर के छल्ले, तुम लोग मेरे जिगर के छल्ले हो यार। मैं कैश लेके नहीं आया यार, कोई नहीं, दुकान वाले से पूछ लूंगा, अगर उसके पास होंगे तो उससे ले लूंगा। हाँ हम पहुंच गए फलां पिंड में फिर से, वीडियो में ये भी एडिट नहीं करूंगा, ये भी जैसे कि तैसे है वैसे कि वैसे अपलोड। हाँ स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा जो मुझे लगा कि वो नहीं डालना चाहिए इसमें वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन व्लॉग्स काफी लंबे चलते हैं मेरे, व्लॉग्स काइंड ऑफ व्लॉग्स यहां कह सकते हैं जर्नल, सेल्फ जर्नल, ब्लॉग नहीं है सेल्फ जर्नल है, मेरे खुद के लिए एक जर्नल है जो कि बस मैंने अपने लिए बना रखा है, अपने देखने के लिए बना रखा है कि मैं क्या बातें करता हूँ, क्यों बातें करता हूँ, क्यों बातें बकबक करता हूँ, और कौन लोग हैं जो मेरे को सुन रहे हैं,
ये भी देखता हूँ मैं बाद में कि कितने प्रतिशत भारतीय आखिर मेरी वीडियोस को आखिर तक देखते हैं, क्योंकि वो जो डाटा होता है ना, वो डाटा देखने में बड़ा मजा आता है मेरे को। मैं निकल तो आया हूँ, गाड़ी में फ्यूल है, चल शुक्र है। संडे यार, संडे के दिन काफी बद्दी के काफी लोग जाते हैं ऊपर मंदिर में, सब लोग पैदल चले हुए हैं। मजाक नहीं, लोगों में डेडिकेशन बहुत है, इतनी गर्मी में पैदल चले हुए इतनी दूर, जिगरा नहीं। मुझे याद है इस मंदिर में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तब मेरा बर्थडे था, 2017 की बात है। मैं आया था स्कूटर पे, लिटरल टूटे हुए वेस्पा पे, उस टाइम में पूरा रोड टूटा हुआ था, था ही नहीं रोड, था ही नहीं यहाँ पे, एक सिंगल लिंक रोड टाइप था, बस उसी के सहारे चलते थे सारे। अब तो ये मक्खन हो गए सारा सारा। इस तरह से जो है तुम्हारे एल लगा देना, वो तुमको पता नहीं होता, तुमको बस फोकस ये करना है कि तुम उस कंडीशन में नीचे ना लग जाओ। ये अगर तुम खड़े हो ना, तब तो घंटा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, लेकिन अगर तुम बैठ गए या गिर गए तो परेशानी हो जाएगी। खड़े हो तब तो तुम मचा रहे हो भाई साहब, तुम 99% लोगों से ज्यादा बेहतर हो। अगर तुम मुश्किल टाइम में खड़े हो तो तुम टॉप 1% में हो। टॉप 1% जो जिगरे वाले लोग हैं जिंदगी दुनिया में ना, तुम उनमें से एक हो अगर तुम मुश्किल टाइम में खड़े हो, डटे हुए हो। और अगर तुम मुश्किल टाइम में बैठ गए ना और रोने लग गए, तब तो तुम्हारी लौड़ ही छोड़ो, क्यों गाली सुननी फालतू में, उल्टी बातें कर देता मैं, बाद में बीप लगानी पड़ती है उन बातों पे। अगर बीप ही लगा के चलना है तो क्या फ़ायदा फिर मेरे रैंडम ब्लॉग्स का, क्या फ़ायदा मेरी कैजुअल टॉक्स का, फिर तो वो नॉर्मल वैसी की वैसी होगी ना, फिर तो उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं रहा। नहीं, ऐसे अपलोड करूंगा मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, बाहर में जाए तो सुनता सुनता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क क्या है, फर्क किस चीज से पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। अगर मुझे गालियां देने से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी छोटी मोटी गालियों से बोल रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं दे रहा हूँ, एक अपने एक्सेंट में कोई गाली दे रहा हूं, अगर मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन मीडियम से अगर तुमको फर्क पड़ रहा है, तुम भाई वीडियो बंद करो, बाहर में जाओ, है ना। फालतू में क्यों चुपके चुपके हुए बनाओ थोड़ा कुछ। और अगर तुमको फर्क नहीं पड़ता है, तुम भी मेरे जैसे हो, तब तो वेलकम, सही जगह आए हो, सचिन के पास, असली सचिन के पास, क्योंकि असली सचिन से ज्यादा है अनफिल्टर्ड पर्सन नहीं मिलेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन मेरे से ज्यादा अनफिल्टर्ड पर्सन कोई नहीं मिलेगा। ऑफलाइन तुमको ऑफलाइन में फिल्टर लगाना पड़ता है, ऑफलाइन में फिल्टर लगाना पड़ता है क्योंकि वहां जूतियां डायरेक्ट पड़ सकती हैं, यहां अगर जूतियां पड़ेंगी तो गाली कमेंट्स में पड़ेंगी, बातों में पड़ेंगी, ज्यादा लोग अनफॉलो कर देंगे, हिट दे देंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर रियल लाइफ में फिजिकली अगर फिल्टर नहीं रखा अपनी बातों पे, अपनी हरकतों पे, तो जूतियां डायरेक्ट पड़ सकती हैं, तो उन जूतियों से बचने के लिए रियल लाइफ में तो फिल्टर लगाना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन तो बिना फिल्टर के, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा ऑनलाइन, है। चलो तुम्हें आगे।
चलो चले मितवा, चले हुए आशिक जफियां पाके, जफियां पाके। लिटरली काफी नजदीक और काफी अच्छी जगह है ये। ले जी, सॉरी सॉरी, माता जी के मंदिर आ गए हैं। अब शब्द नहीं बोलने हैं, अब थोड़े अच्छे बच्चे बनना है, क्योंकि अच्छे ऑरा में हैं, अच्छी जगह पे हैं, अच्छे वातावरण में हैं, और यहाँ पे आके अब शब्दों का इस्तेमाल कत्ता भी नहीं करना है। 0% एकदम 0%, समझ गए क्या? अच्छी बात है, चलो फिर चलो लगाते हैं गाड़ी। पहुंच गए, मिलते हैं आपसे। ओके, तो जाए 10 मिनट बैठता हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं। बताया था लास्ट टाइम मैं क्यों, पिछले वाले ब्लॉग में बताया मैंने, धूप है लेकिन यहाँ पे हमेशा हवा चलती है अच्छी वाली। यहाँ पे मौसम की दिक्कत नहीं है, हवा की दिक्कत नहीं है, हवा अच्छी खासी चली होती है। साफ तो चलो नहीं है यहाँ की हवा, क्योंकि बद्दी से आ रही है सारी की सारी, पीछे बद्दी है वहीं से हवा आ रही है, तो फिर नॉर्मल सी बात है, पोल्यूटेड ही है, लेकिन एटलीस्ट हवा तो है। जो है उसमें खुश रहो और चलो, क्योंकि घर चल के जाके अब रेस्ट करते हैं। क्योंकि टायर नए हैं तो अभी क्या ये छोटे मोटे पत्थरों को उठा उठा के ना गाड़ी के ऊपर खुद ही मार ले रहा है, तो बीच बीच में घबराहट हो रही है कि ये क्या हुआ, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, तो वो चीज थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी मेरे को। बाकी आ गया यहाँ पे भी आज, काफी दिनों के बाद, महीने के बाद, अच्छा लग रहा है। लोगों को लगता है अपनी गाड़ियां अपनी बाइक्स पीछे खड़ी करके पैदल आ रहे हैं आगे, ये भी अच्छी चीज है। ये चीज मैंने नोटिस करी कि कहीं भी तुम कहीं जा रहे हो ना, तुम किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे पहाड़ है या चढ़ाई है, मंदिर वगैरह है, तो मैं कहता हूं कि उससे 1-1.5 किलोमीटर पीछे ना अपना व्हीकल छोड़ दो। अब मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे वैसे बुरे हाल है। अरे ना, किसी और को तो क्या ही बोलना मैंने। मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे बुरे हाल हैं और मैं अभी उतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास, लेकिन अगर 1-1.5 किलोमीटर भी छोड़ दें और फिर पैदल चले और फिर जब पहुंच के जो मजा आता है ना, वो मजा बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। वो जो कहीं कुछ करने की जो होती है ना, कि हमने कुछ उखाड़ा है या फिर कुछ अकम्पलिश किया है, क्या बोलते हैं उनको, वर्ड नहीं याद आ रहा है, अकम्पलिश ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना, कि हमने कुछ अकम्पलिश किया है, वो वाला जो फील होती है ना, वो जो फीलिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। वो उससे काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, काफी कुछ चेंज हो जाता है उससे। ना हमने तो हॉर्न मारा था भैया, आपने नहीं मारा था, और आप बच्चे को बाहर से निकाल के चले हुए हो। एक तो ये ओपन रूफ होती है ना, ये बस में जो बच्चे निकल के खड़े हो जाते हैं,
चलो शर्म कर लो थोड़ी बहुत, कभी अगर इमरजेंसी में कोई ब्रेक मारनी पड़ गई ना, तो उस बच्चे के पता है पेट पे या चेस्ट पे कितना दबाव पड़ेगा उस चीज में उस टाइम पे, है ना। हो सकता है वो नीचे से फिसल के गिर जाए, चोट लग जाए, थोड़ी अक्ल कर लिया करो। पहाड़ों में मत किया करो ये सब चीजें। तुमको हाईवे पे करना है, तुम 60-70 की स्पीड पे चले हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सारे पहाड़ों में आके छोटे से रास्ते पे सिंगल रोड पे ये हरकतें कर रहे हो, है ना। कम से कम बच्चों का ध्यान रखो यार, उनके बच्चों का सोचो कम से कम कि उनका क्या होगा। खुद मरते रहो लेकिन बच्चों की जिंदगी बढ़ी अभी तक ना, अभी तक उनका कोई ब्रेकअप हुआ कि उनको मरने की जरूरत है ना, उन्होंने अभी तक दुख देखे। अभी तो जिंदगी मजेदार है उनकी, कम से कम पहले स्कूल टाइम में तो एटलीस्ट जिंदगी मजेदार होती है। जब तक तुम स्टूडेंट हो ना, ये ध्यान रखो, लिख के ले लो जितने भी तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना कि भाई अपना स्टडी पूरी कर लो अच्छे से कर लो, उसके बाद मजे मजे हैं। सालों लौड़े लगेंगे लाइफ के बाद में, अभी तुम अपनी स्टडी वाले फेज में हो ना, अभी पढ़ाई वाले फेज में हो, इसमें मजे ले लो, क्योंकि बाद में मजे बाद में जिंदगी तुम्हारी लेगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई करो, क्योंकि अगर पढ़ाई भी नहीं करी ना तो जिंदगी ज्यादा लेगी, फिर अभी तो कम ले रही थी फिर बाद में ज्यादा लेगी अगर पढ़ाई भी नहीं करोगे तो। पढ़ाई करो साथ में मस्ती कर लो अभी, जब तक तुम स्टडी फेज में हो, जब तक तुम स्टूडेंट हो, ठीक है ना, क्योंकि यही टाइम है टेंशन फ्री होके मजे लेने का, क्योंकि बाद में तुम्हें टेंशनें ही होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेंशन फ्री होके मजे लेने के लिए कि हाँ तुम अपने बाप के पैसे उड़ाते रहो ये वो, है ना, थोड़ा सस्टेन होके मजे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेमोरीज बनानी होती है, मेमोरीज बनाने के लिए पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं होती हर टाइम, ठीक है। और बथेरी चीजें आजकल पैसा कमाने के लिए, ऑनलाइन जाओ, ओनली फैंस मत बनाना बस, लड़कियों तुम्हारे तुमको बोल रहा हूँ, लड़कों का वैसे भी कोई नहीं खरीद रहा। ऑनलाइन बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, थोड़ा सेंसिबल तरीके से, थोड़ा लीगल तरीके से पैसे कमा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर तुमको लगता है कि नहीं कमा होते तो भाई तुम मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे पता है कि इस पॉइंट तक जो पहुंचे है ना वो बंदे सीरियस है, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे दिनों से मुझे मेल डालो, अगर रिप्लाई ना आए तो मेरा नाम चेंज कर देना, कोई बात है ना, सचिन शर्मा की जगह सचिन तेंदुलकर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हजार तरीके पैसे कमाने के, हजार में से 10 तो मैं बताऊंगा जिससे मैं खुद करता हूं, ठीक है। लेकिन करो भाई, करना तो तुमको पड़ेगा, ये नहीं कि तुमने पूछ लिया और फिर बोलते कि अब ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा, तब तो कुछ नहीं होने वाला भाई, करना खुद को पड़ेगा। मेंटोरशिप चाहिए, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, तुम्हारे सामने बैठा है, खड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बकचोदी करनी होगी उसके लिए भी हम आ गए, फालतू का टाइम पास नहीं होगा, बस काम की बात जितनी कर सकते हो उतनी करो, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि एक पर्टिकुलर एज होती है ना, उस एज में अगर तुमने कुछ मेमोरीज बना ली तो बन गई, क्योंकि उसके बाद तुम्हें वो मेमोरीज बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर वो टाइम निकलता नहीं है सालो, तो तुम वो टाइम निकाल ही नहीं पाओगे, रह जाओगे, फंस जाओगे, फिर बोलोगे हाय दैया ये क्या हो गया। जब तक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जब तक तुम स्टूडेंट हो तब तक मेमोरीज बना लो सालो, जो बाद में नहीं बनेंगी। बाद में सिर्फ रिग्रेट्स रहेंगे लाइफ में। चलो क्या कर सकते हैं, जब तक पॉसिबल है तब तक करते जाओ, जब पॉसिबल नहीं होगा तब कुछ नहीं होगा, और जितने दिन एंजॉय कर सकते हो उतने एंजॉय कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल लगने तो तुम्हारे ही वाले, हेलो तुम्हारे भी लगेंगे, हमारे भी लगे हैं, सबके ही लगेंगे और सबके ही लगे हैं।
जब तक एंजॉय कर सकते हो इस चीज को तब तक कर लो, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं होने वाला। ये चीज माइंड में डालो, जब तक चल रही है तब तक चल रही है, जब चलना बंद हो जाएगी हम सभी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो जजमेंटल ना हो, जो जज ना करे। वो इंसान ढूंढना आजकल के टाइम में मुश्किल हो गया है। लेकिन सीरियसली यार, मुझे एक इंसान ऐसा चाहिए जो मुझे जज ना करे, अगर मैं उसको कुछ बताऊं, कुछ बोलूं, अपनी बातें करूं। ऐसे लोग मिलेंगे? मेरे अलावा कौन है? मेरे अलावा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में जो जज ना करता हो। खुद से बातें करनी पड़ेंगी हैं? पूरी उम्र खुद से बातें करता रहूं मैं सालों? ये कहां का इंसाफ है सेनोरिटा? इतना की बोलना, मैंने काफी बोल लिया भाई। अरे बाय भाई, जाओ यार। अब क्या कर रहे हो तुम? इतने क्यों देख रहे हो मेरे को? इतना क्यों देख रहे हो? इतना सुंदर थोड़ी हूं मैं। अरे जाओ यार, बाय बोल दिया मैंने अब। हाँ क्या कर रहे हो तुम? चल ठीक है भाई।